भारत पाकिस्तान के बीच बुधवार को होने वाला है महामुकाबला, लेकिन अगर आपने भी मोहाली जाकर मैच लाइव देखने का मन बनाया है तो तैयार रहिए एयरलाइंस के मनमाने किराए चुकाने के लिए। देश में किसी भी कोने से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए 28 से 30 मार्च के बीच एयरलाइंस ने किरायों में 4 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है और आपको टिकट के लिए अब 22,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। बुधवार को है क्रिकेट वर्ल्ड वॉर, भारत पाकिस्तान के बीच मैच। एयरलाइंस ने फिर दिखाई मनमानी, चंडीगढ़ के हवाई किराए आसमान पर। बुधवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच को अगर आपने भी स्टेडियम में लाइव देखने का मन बनाया है तो पहले आपको एयरलाइंस की मनमानी से दो दो हाथ करने पड़ सकते हैं, क्योंकि घरेलू एयरलाइंस ने अपनी मनमानी फिर दिखाते हुए मैच से पहले हवाई किरायों में 4 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, 24 मार्च को भी अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले घरेलू एयरलाइंस ने किरायों में भारी बढ़ोतरी की थी और आने वाले बुधवार को मोहाली में मैच देखने के लिए हवाई किराए आपकी जेब जला सकते हैं। उधर जानकारों की माने तो सरकार को हस्तक्षेप कर होटलों और एयरलाइंस के किरायों पर नकेल कसनी चाहिए। अब क्योंकि डीरेगुलेशन ऑफ फेयर्स हो गए हैं, पर उसका ये मतलब नहीं कि लूट मचाए, तो DGCA को दोबारा इंटरवीन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को फेयर्स को एटलीस्ट द हायर लिमिट ऑफ द फेयर्स, सिर्फ एयरलाइंस का नहीं होटल्स का भी हमें रेगुलेट करने पड़ेंगे, नहीं तो ये मतलब इट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। एयरलाइंस ने एक बार फिर क्रिकेट फीवर को भुनाने के लिए आपकी जेब ज्यादा ढीली करने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि करीब 2000 दर्शक चंडीगढ़ के लिए उड़ान भर सकते हैं। देश के किसी भी शहर से चंडीगढ़ तक के लिए हवाई किराए 10,000 से 36,000 रुपए के बीच मिल रहे हैं। आमतौर पर वन वे किराए 5,000 रुपए तक मिल जाते हैं। 29 मार्च के लिए जेट एयरवेज का दिल्ली से चंडीगढ़ का किराया जहां 12,000 रुपए का पड़ेगा, वहीं कोलकाता से चंडीगढ़ का किराया 40,000 रुपए का पड़ेगा। मुंबई से चंडीगढ़ का किंगफिशर का किराया 20,000 रुपए का पड़ेगा। गो एयर से मुंबई चंडीगढ़ का किराया 29 मार्च का 22,000 से 26,000 रुपए के बीच का पड़ेगा। 30 मार्च को जेट एयरवेज की सुबह की उड़ान फुल है। 30 मार्च को कोलकाता से चंडीगढ़ का किराया 15,000 रुपए का पड़ेगा। साफ है एयरलाइंस अपनी जेब मनमाने तरीके से भरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अब ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप इसको आप चाहे लूट कहिए या कुछ भी कहिए, हमारी पार्लेंस में या बिजनेस की पार्लेंस में इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आज सीटें हैं नहीं, डिमांड इज सो हाई कि एक एक सीट प्रीमियम पे जा रही है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच मोहाली में होने वाले सेमीफाइनल मैच के लिए एयरलाइंस और होटल्स ने जिस तरह से अपने मनमाने तरीके से किराए बढ़ाए उनको देखते हुए सभी टूर एंड ट्रैवल्स कंपनीज का यही कहना है कि सरकार को इनके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए, वरना मुंबई में होने वाले फाइनल मैच के लिए भी यही सब देखने को मिल सकता है। यानी अगर आपने भी इस बुधवार को होने वाले मैच को लाइव स्टेडियम में देखने का मन बनाया है तो आपको हर तरफ से केवल परेशानी ही परेशानी झेलने को मिल सकती है, ना सिर्फ मैच के टिकट को लेकर बल्कि चंडीगढ़ पहुंचने और होटल में ठहरने को लेकर भी परेशानी बढ़ने ही वाली है और आपकी जेब पूरी तरह खाली होना तय है। गुंजन मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।